नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से लॉकडाउन किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के बेहद पॉच इलाके से सिविल लाइन के ओबेरॉय अपार्टमेंट में एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने फौरन ही पूरे इलाके को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके से थोड़ी ही दूर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी हाउस और दिल्ली सरकार से जुड़े जो मिनिस्टर्स हैं, उनके घर है। आपको बता दें कि परिवार के 4 सदस्य के साथ 4 सर्वेंट भी थे जो उनके वहाँ काम करते थे, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन 8 लोगों के संपर्क में कितने लोग आए थे, ताकि के उन्हें बाद में क्वारंटाइन किया जा सके। इस बीच भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 15,712 तक पहुंच गया है। वहीं 507 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 2230 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं लोगों को उम्मीद है कि कल यानी 20 अप्रैल से लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उससे तो छूट मिलना मुश्किल है। इस बीच गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों को ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। लॉकडाउन जारी किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी की बात कही थी। मेडिकल और किराना स्टोर तो खुली है और जरूरी सामानों की डिलीवरी भी की जा रही है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट किया कि अब लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। दरअसल 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी गाइडलाइन में ई कॉमर्स कंपनियों के दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने गाइडलाइन बदल दी है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों को रविवार को एक झटका लगा है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।